आईएमएफ की जो अभी रिपोर्ट आई है वर्ल्ड के जीडीपी ग्रोथ को लेकर के, जिसमें उनका अनुमान है कि भारत का कंट्रीब्यूशन 16% होगा, तो मेरा इसमें ये ऑब्जर्वेशन है कि गवर्नमेंट जिस तरह की इनिशिएटिव ले रही है इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के लिए, डिजिटल रिफॉर्म के लिए, आईटी सेक्टर के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जो बहुत ही लार्ज स्केल पे है और बहुत ही लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से है, तो डेफिनेटली इसका इफेक्ट आएगा और एंड ऑफ द ईयर हमें उम्मीद है कि ये जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ कंट्रीब्यूशन 16% का है इसको इंडिया फुलफिल करेगा और इससे ज्यादा करेगा। साथ ही साथ जो कोविड का इफेक्ट था वो पूरी तरह से हम लोग देख रहे हैं कि बिल्कुल खत्म हो चुका है और कोविड से पहले के जो ग्रोथ के पैरामीटर्स थे उससे हम लोग अभी और भी आ गए हैं, ग्रोथ का फ्यूचर हम लोग को दिखाई दे रहा है।